लॉकडाउन के पहले जब तक स्कूल खुले थे तो थोड़ा काम ठीक था, लोकल का काम था। और मार्च के बाद हमारा मई जून जो महीना आता काम का, जो छुट्टियां होती बच्चों को पंजाब में, दिल्ली में, जैसे चंडीगढ़ में जैसे छुट्टियां पड़ती है, वो छुट्टियां सारी लॉकडाउन में चल गई। तो उसमें लॉकडाउन के पहले काम था, इतना ज़्यादा भी नहीं था काम, आने वाले महीने में तो लॉकडाउन लग गया। तो कारोबार ऐसा चल रहा है, यहाँ तीन चार घोड़ियाँ सारी, और तीन चार घोड़ियों को भी कभी एक दो राउंड लगते हैं, कभी तीन लगते हैं हद जोर, कभी चार, कभी नहीं भी लगते हैं। घोड़े का खाना तो ऐसा नहीं, जो इनका खाना है आजकल, तो हमने यहाँ मॉल का घास लेने पड़ता है। आजकल बरसात के टाइम में घास मिल जाता है, और हमने वहाँ खरीदा हुआ काट के भी डालते हैं, कुछ वैसे मॉल लेके डाल रहे हैं। जो रौनक लॉकडाउन से पहले थी होती थी हिमाचल में, क्योंकि सभी बच्चे बूढ़े बुजुर्ग यहाँ पे घुड़सवारी का आनंद लेते थे, और जहाँ देश इस जो ये महामारी चली है अभी कोरोना वायरस, तो इससे इनको काफ़ी नुकसान हुआ। ना तो इनके पास काम है, ना लोग, ना ही तो लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, और ना ही दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से कोई इनको मदद दे जानी चाहिए। को कोई जैसे राशन है घोड़ों का, वो भी बहुत महंगा आता है, इनको बहुत मार पड़ी है लॉकडाउन की, और भविष्य में इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। इससे पहले चलता था, तो आशा है कि सरकार इस बात की तरफ ध्यान देगी। लॉकडाउन से पहले तो हमारा कारोबार बहुत अच्छा था, और उस टाइम मगर मार्च महीने की बात है नहीं, उस वक्त थोड़ा उतना ज़्यादा काम तो नहीं होता, लेकिन मई जून में हमारा काम अच्छा हो जाता था, तो उसकी आस लगा के हम खड़े थे। लेकिन जैसे लॉकडाउन लगा हमारा काम बिल्कुल बंद हो गया, और उसके बाद हमारे पास कमाने का कोई साधन नहीं रहा। 3.5 महीने तो हम कमरे में खड़े रहे। हमारे घोड़ों को खाने के लिए और हमारे लिए खाने के लिए हमारे यहाँ वेलफेयर हॉस्पिटल रेड क्रॉस वेलफेयर सोसाइटी के इंद्रजीत सिंह जी हैं सरदार जी, वो हमें सहायता करते रहे और आज दिन तक कर रहे हैं। क्योंकि अभी भी हमारा घोड़े का काम इतना नहीं है कि ये कभी 100 कभी 150 रुपये या 200 रुपये कमा कर जाते हैं, जो अपना बस रोटी का, अपनी रोटी तो हो रही है, लेकिन अभी हमारे जानवरों की रोटी नहीं है। या तो रखे साया अभिमान, घर से दूर होकर भी दिल को हमेशा यह एहसास रहता है उनका प्यार और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।